हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आरसीसी। आरसीसी यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरसीसी से जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो चैप्टर वाइज करेंगे, यानी कि आज हम लोग आरसीसी का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि आज पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो आज हम लोग आरसीसी से जो भी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसके बाद के चैप्टर्स के भी वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कंक्रीट प्रायः खाली स्थान, इसमें चारों ऑप्शन में से कोई सही हो उसको भरना है, कि क्षणों से प्रबलित की जाती है। जो कंक्रीट होता है वो प्रायः मृदु इस्पात से कि क्षणों से प्रबलित की जाती है। तो इसमें पहले का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मृदु इस्पात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर इसमें दिया है कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में इस्पात उसमें फिर खाली स्थान उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में इस्पात जो होता है वो तनन सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो दूसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तनन सामर्थ्य क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रचलन पदार्थ के रूप में इस्पात व कंक्रीट के उसमें प्रसार गुणांक समान होने के कारणों से उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब तीसरे वाले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रबलन पदार्थ के रूप में जो इस्पात होता है वो किन कारणों से उपयोग किया जाता है, तो जो इस्पात व कंक्रीट के उसमें प्रसार गुणांक होता है वो समान होने के कारण हम इसको प्रयोग करते हैं। यानी तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है IS 432 यानी 1966 के अनुसार प्रथम श्रेणी के मृदु इस्पात की जो तनन सामर्थ्य होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए फिर से, यानी IS 432 1966 के अनुसार जो प्रथम श्रेणी के मृदु इस्पात की जो तनन सामर्थ्य होती है वो 4200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 4 का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर, यदि IS 432 1966 के अनुसार प्रथम ग्रेड मृदु इस्पात उपलब्ध न होने पर द्वितीय ग्रेड इस्पात उपयोग किए जाएँ तो इस्पात का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। तो चार ऑप्शन दिया गया है, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, 10% बढ़ाया जाए। क्वेश्चन क्या है, यदि IS 432 1966 के अनुसार प्रथम ग्रेड मृदु इस्पात उपलब्ध न होने पर द्वितीय ग्रेड अगर इस्पात का उपयोग किया जा रहा है तो इस्पात का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो 10% बढ़ा दिया जाना चाहिए, यानी कि 10% बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में मारण से पूर्व उत्पन्न कर ऑप्शन यानी कि इस चारों में से कोई होगा दी जाती है। तो इसमें जो छठवें का पहला ऑप्शन यानी कि पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में मारण से पूर्व उत्पन्न कर कंक्रीट में संपीड प्रतिबल दी जाती है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंक्रीट में संपीड प्रतिबल यानी कि छा का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, सातवां नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आ सकता है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि यदि EC व ES क्रमशः ये क्या है, कंक्रीट व इस्पात के प्रत्यास्था गुणांक है, तो मापांक गुणांक यानी M का जो मान होगा क्या होगा। चार ऑप्शन दिया गया है, तो सातवें का बी वाला ऑप्शन यानी कि ES/EC क्या होगा, मापांक गुणांक होगा यानी M का मान होगा। क्वेश्चन क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं, EC व ES क्रमशः कंक्रीट व इस्पात के प्रत्यास्था गुणांक हो तो मापांक गुणांक यानी कि M का जो मान होगा क्या होगा, तो ES/EC क्या होगा, EC होगा। ES क्या है, इस्पात की प्रत्यास्था गुणांक है, EC क्या है, कंक्रीट की प्रत्यास्था गुणांक है। तो यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ES/EC सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इस्पात का क्षेत्रफल AS कंक्रीट क्षेत्रफल में बदलने पर समतुल्य क्षेत्रफल में बढ़ोतरी
यानी कि के बराबर होगी, जबकि एसी कंक्रीट का क्षेत्रफल है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में जो दूसरा वाला ऑप्शन है एम माइनस वन इंटू एस क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी जो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी एम माइनस वन इंटू एस के बराबर होगी, जबकि एसी क्या है, कंक्रीट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आठवें का। अब देखते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी प्रबलित कंक्रीट संरचना का परिच्छेद दोहरा प्रबलित परिच्छेद, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं नौवां नंबर का, कहलाता है जबकि, इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। तो नौवे का जो तीसरा वाला ऑप्शन है, प्रबलन तनन व संपीडन दोनों ओर लगाया गया, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रबलन तनन व संपीडन दोनों ओर लगाया गया, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, दसवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विकृत इस्पात छड़ों का प्रबलन के रूप में उपयोग करने पर सादी इस्पात छड़ों के किनारे के हिकों को हटाया जा सकता है, यह कथ सही है या फिर गलत है। तो दसवें का पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। यानी क्वेश्चन क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं, जो विकृत इस्पात छड़ों का प्रबलन के रूप में उपयोग करने पर सादी इस्पात छड़ों के किनारे के हिकों को हटाया जा सकता है, यह कथन सही है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रबलित कंक्रीट धरन पर भार लगाने पर अथवा आघूर्ण के प्रभाव से धरन के सबसे ऊपर वाली परतों में संकुचन तथा तली की परतों में बढ़ोतरी होती है, यदि यह अवस्था बदल दी जाए अर्थात तली पर संकुचन तथा शिखर पर बढ़ोतरी हो तो धरन क्या होगा। यानी जो 11 नंबर का लास्ट वाला ऑप्शन, यानी कि बाहु धरन या आस धरन यानी होगा, यानी कैंटिलीवर बीम क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में NA का अर्थ है, जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट होता है उसमें NA का अर्थ क्या होता है। तो NA का अर्थ होता है न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि उदासीन अक्ष होता है। क्या होता है, उदासीन अक्ष। यानी जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में NA का अर्थ होता है नेचुरल एक्सिस यानी कि उदासीन अक्ष क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के सममित परिच्छेदों में उदासीन अक्ष सदैव परिच्छेद के मध्य भाग में होती है, यह कथन सही है अथवा नहीं। तो ये सही नहीं है, ठीक है ना। जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के सममित परिच्छेदों में उदासीन अक्ष जो होता है वो सदैव परिच्छेद के मध्य भाग में होती है, यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो कथन असत्य है, यानी कहने का मतलब कथन सही नहीं है। तो 13 का पहला ऑप्शन क्या है, सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि डिजाइन करते समय विभाजक अवयवों का वास्तविक भार ज्ञात करना संभव न हो तो फिनिश भाग का पूर्ण क्षेत्र पर कितने प्रतिशत भार जोड़ा जा सकता है। तो 14 का 33.33% जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं, यदि डिजाइन करते समय विभाजक अवयवों का वास्तविक भार ज्ञात करना संभव न हो तो फिनिश भाग का पूर्ण क्षेत्र पर 33.3% भार जोड़ा जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इस्पात व उदासीन अक्ष के बीच भरी कंक्रीट आघूर्ण वहन नहीं करती अतः बेकार है, अतः यह कथन सही है अथवा गलत है। तो इसका ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा, सही नहीं है। कहने का मतलब जो इस्पात व उदासीन अक्ष के बीच भरी कंक्रीट आघूर्ण होती है वो वहन नहीं करती, यानी अतः बेकार है, अतः यह कथन क्या है, सही नहीं है, ये बेकार नहीं होता है। यानी कि अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है अपरूपण एवं वांड प्रतिबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी धरन पर भार लगाने के पश्चात एक ही रेशे में किसी संगत परिच्छेद पर विभिन्न प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, यह प्रतिबल परिवर्तन प्रबलय होता है जिसकी अधिकतम कोटि पर होती है। तो इसका चार ऑप्शन दिया गया है, तो 16 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उदासीन अक्ष क्या है, उदासीन अक्ष पर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उदासीन अक्ष व इस्पात के बीच किसी समतल पर अपरूपण प्रतिबल का मान ज्ञात किया जा सकता है, तो किस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें ये फार्मूले दिए गए हैं, तो इसका जो दूसरा वाला फार्मूला है क्यू बराबर एफ अपान बी ए क्या है, सही है। यानी कि 17 का बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, क्यू बराबर एफ अपान बी इंटू ए।
18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर दिया गया है कि यदि किसी धारण की चौड़ाई b तथा गहराई d हो तो अधिकतम अपरूपण प्रतिबल s का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, s बराबर f अपान b इंटू ए डी, जबकि a का मान क्या होगा, यानी ये ऑप्शन में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जो 18 का इसमें लास्ट वाला ऑप्शन है लीवर भुजा, यानी कि जे डी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि धरण से उसकी लंबाई के समानांतर व उदासीन अक्ष के नीचे से कोई छोटा क्यूब काट लिया जाए जिसकी क्षैतिज दिशा में तनन प्रतिबल एफ तथा क्यूबिक की चारों भुजाओं के समानांतर क्यू अपरूपण प्रतिबल कार्य कर रहा हो तो अधिकतम मुख्य प्रतिबल का जो मान होगा, ये 19 नंबर का डायरेक्ट याद रखे रहिए कि इसका सी वाला ऑप्शन एफ अपान टू प्लस अंडर रूट एफ अपान टू का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि 19 का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। 19 का सी ऑप्शन क्या होगा, एफ अपान टू प्लस अंडर रूट एफ अपान टू का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या है, सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि धरण परिच्छेद में अपरूपण प्रतिबल अनुज्ञेय प्रतिबल के, अब यहाँ खाली स्थान इसमें चारों ऑप्शन कुछ भरना है, गुणा बढ़ जाने पर दोबारा डिजाइन किया जाना चाहिए, कितना गुणा बढ़ जाने पर अपरूपण प्रतिबल, कितना गुणा बढ़ जाने पर इसे दोबारा डिजाइन करना चाहिए, तो इसका 20 वाले का बी वाला ऑप्शन क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाने पर इसे दोबारा जो है डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, धरण में अपरूपण प्रतिबल वहन करने के लिए ऊर्ध्वाधर छल्लों का अंतराल क्या होता है, ये 4 फार्मूले दिए गए हैं। तो 21 का इसमें पहला ये फार्मूला यानी कि एस इंटू टी अपान क्यू इंटू बी क्या है, सही ऑप्शन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि आईएस के अनुसार प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरण में छल्लों की अंतराल से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका तीसरा वाला ऑप्शन यानी कि प्रतिरोधी घूर्ण की लीवर भुजा, ये क्या है, सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में धरण में अपरूपण प्रतिबल अनुज्ञेय प्रतिबल से अधिक होने पर अपरूपण लगाया जाता है, यह प्रबलन के लिए लगाया जाता है, किस प्रतिबल के लिए लगाया जाता है, यानी 23 का बी वाला ऑप्शन समस्त अपरूपण बल वहन करने के लिए लगाया जाता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, समस्त अपरूपण बल वहन करने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी धरण परिच्छेद में एफ बराबर उत्पन्न अपरूपण बल ए या जे डी लीवर भुजा है, समवेशन ऑफ जो क्या है, समस्त तनन वहन करने वाली छोड़ा का परिमाप यानी पेरीमीटर है, तब बॉन्ड प्रतिबल यानी कि तीव्रता एस बी होगा, यानी 4 फार्मूला दिया गया है इसमें 24 का। इसका पहला ये वाला ऑप्शन क्या होगा, एस बी इक्वल टू एफ अपान जे डी इंटू समवेशन ऑफ ओ क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 25 नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया है कि प्रबलन की दो छड़ों का चढ़ाव यानी ओवरलैप क्या होना चाहिए, तो 25 का पहला ऑप्शन L बराबर D इंटू टी अपान 4SB क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, यानी इसमें जो प्रबलन की दो छड़ों का जो चढ़ाव होता है वो D इंटू टी अपान 4SB होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि तनन प्रबलन की छड़ों में चाव लंबाई क्या होती है, छड़ का व्यास इंटू वास्तविक तनन प्रतिबल बटे अनुज्ञेय व औसत प्रतिबल या फिर से कम नहीं होना चाहिए, अथवा यहाँ खाली स्थान दिया है जो भी अधिक हो, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 26 के यानी जो छड़ का व्यास होता है 30 गुणा से अधिक हो, यानी जो 30 गुणा जो भी अधिक हो, ठीक ना, यानी कि कहने का मतलब इसका बी वाला ऑप्शन छड़ व्यास का 30 गुणा क्या है, सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि संपीड़न में प्रबलन लगाते समय छड़ों का चढ़ाव यानी कि छड़ व्यास इंटू वास्तविक संपीड़न प्रतिबल बटे अनुज्ञेय औसत बॉन्ड प्रतिबल से कम नहीं होना चाहिए, या यानी खाली स्थान इसमें कोई 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कुछ सही होगा, यानी वो वाला भरना है में जो भी अधिक हो, कहने का मतलब 27 का लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, छड़ के व्यास का 24 गुना, यानी यही क्या है, सही है।
इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्या 28 नंबर क्वेश्चन में, अर्धवृत्ताकार हुक उपयोग करने पर आईएस के अनुसार यानी कि 28 नंबर फिर कह रहा है खाली स्थान यानी इसमें कोई भरना है यानी कि 28 के ये 8D होगा, 8D का संभार दिया जाना चाहे यदि K का मान 2 हो तो, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 8D क्या हो जाएगा, 8D सही हो जाएगा, यानी 28 का बी ऑप्शन क्या है सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, IAS 250/1963 के अनुसार प्रबलन क्षण ऊपर ऊर्ध्वाधर मोड़ने पर के बराबर 2 होने पर मोड़ अलाउस से कम नहीं होना चाहिए, तो किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 5D से कम नहीं होना चाहिए, तो 29 का बी वाला ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा 5B। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि तनन प्रबलन में मानव हुक या अर्धवृत्तकार हुक प्रयोग करने पर यह हुक प्रबलन की लंबाई क्षण के व्यास के पदों में किसके समतुल्य बढ़ाते हैं, तो यानी 30 का सी वाला ऑप्शन 16D क्या होगा सही ऑप्शन हो जाएगा 16D। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वंकन आघूर्ण की दृष्टि से इन क्षणों को किसी बिंदु विशेष पर काट देना या मोड़ देना चाहिए, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से टेक की ओर उन्हें एक निश्चित दूरी यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि कोई एक ऑप्शन सही होगा के बराबर बढ़ाया जाता है, तो 31 का सी वाला ऑप्शन होगा यानी कि वार्ड लंबाई के बराबर बढ़ाया जाता है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वार्ड लंबाई के बराबर होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सादी प्रबलन क्षण की अपेक्षा विकृत क्षण उपयोग करने पर कंक्रीट के प्रत्येक ग्रेड के लिए वार्ड प्रतिबल अधिक होता है, यह प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है, तो 32 का बी वाला ऑप्शन 40% क्या है सही है, 40% सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर में दिया है कि छड़ों का चढ़ाव ऐसे स्थान पर दिया जाता है जहां आघूर्ण अधिकतम तथा अपरूपण बल न्यूनतम होता है, यह कथन सही है अथवा असत्य है, तो यह कथन सही नहीं है यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समकोण हुक बनाने से वार्ड लंबाई में बढ़ोतरी कितने व्यास के समतुल्य बढ़ेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन, इसका पहला ये ऑप्शन सही है, 8D क्या होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया क्या है कि समकोण हुक बनाने से वार्ड लंबाई में बढ़ोतरी 8D व्यास के समतुल्य बढ़ेगी, तो 34 का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि समकोण यानी कि ये समकोण हुक बनाने से वार्ड लंबाई में बढ़ोतरी 8D व्यास के समतुल्य बढ़ेगी, यानी 34 नंबर हो गया, पहला ऑप्शन सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि IAS 2502 यानी कि 2502 के अनुसार हुक का प्रावधान कितने एमएम से कम नहीं होना चाहिए, तो 35 का बी ऑप्शन 75 एमएम से कम नहीं होना चाहिए, 75 एमएम से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, IAS 2502 के अनुसार हुक का प्रावधान 75 एमएम से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या है सही है, 35 का बी वाला ऑप्शन सही है। तो डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यानी कि ज़्यादातर पहले चैप्टर से ही क्वेश्चन किए हैं, तो अब अगर आपको इसके बाद वाले भी चैप्टर के क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अगर कमेंट करेंगे तो फिर इसके बाद वाले चैप्टर्स के भी क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे। ठीक है डियर, और वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जो दोस्त जो फ्रेंड आप लोग के साथ पढ़ जिनका RCC का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।